भाई नमस्ते बियम फ्रेंड्स, अभी हम बड़ौड़ा के अंदर एक वास्तु कंसल्टेंसी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरा लाइव सेशन दिखा रहे हैं। ये आप देखेंगे तो सामने जो शौचालय है वो नॉर्थ डायरेक्शन का है। हमने क्लाइंट को हमने ग्रीड करके दी थी तो उनको कहा था यहाँ पे अगर शौचालय ना रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बट वास्तु के अंदर और कोई स्कोप नहीं था इसलिए उनको ये गलती करनी थी। फिर उन्होंने हमारे साथ बातचीत की, सर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है शौचालय लेके प्रोटेक्टर तो क्यों ना हम यहाँ पे यूज़ कीजिए कर लेंगे, तो जिससे हमारा वास्तु दोष भी नियंत्रण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने फिर यहाँ पे आके कंसल्टेंसी की, ओरा स्कैनर से सब कुछ स्कैन किया, यहाँ पे जियोपैथिक लाइन और वो सब हमने बैलेंस की। बट अभी यहाँ पे हमें ये जो शौचालय है इस शौचालय की कुछ ना कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी, इसलिए अब यहाँ पे हम एक प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो ब्रास प्रोटेक्टर है ये इस तरह से आता है, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये पूरा क्रिस्टल प्रोटेक्टर है शौचालय की, जो है ना ब्रास हाई ग्रेड क्रिस्टल टॉयलेट बेड एनर्जी प्रोटेक्टर। अब इस प्रोडक्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पे हम लगाएंगे, किस तरह से लगाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अभी ऑलरेडी इनकी फ्लोरिंग चल रही है तो हम यहाँ पे ये जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। हाँ वहाँ पे खड़ा कर दीजिए इस तरह से फ्रेंड्स, ये आप देखोगे हम वहाँ पे कुछ तोड़ेंगे और फिर इसको वहाँ पे लगाएंगे। ये आप ले लीजिए, थोड़ा पीछे खींच लीजिए, हाँ ऐसा कर दीजिए बस, थोड़ा अब उधर रख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों तरफ हमने प्रोटेक्ट, इसको थोड़ा यूं लीजिए, क्रिस्टल बार की तरफ जाने दो दोनों। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, यस। अब यहाँ पे हम थोड़ा तोड़ ताड़ के इसको पूरा यहाँ पे सेट कर देंगे जिससे यहाँ की एनर्जी थोड़ी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि शौचालय नॉर्थ डायरेक्शन में वो भी वास्तु दोष है और इस दिशा के अंदर बना हुआ है और शौचालय खुला रहेगा, क्योंकि साथ में ही यहाँ पे आप देखेंगे तो किचन का एरिया है, तो किचन के एरिया के सामने ही ये शौचालय का द्वार भी एक वास्तु दोष है जिसको नियंत्रण करने के लिए हम ये उपाय पूरा कर रहे हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ यहाँ पे इनका एक पूर्व दिशा के अंदर एक सीढ़िया है उसका भी हम आपको बताएंगे। ये जो प्रॉपर्टी जो पर्सन यूज करने वाले है उनका ऐसा कहना है कि अगर मैंने वास्तु दोष रखा है और मैं रखा है तो वो मेरी गलती है और इस वास्तु दोष के परिणाम हेतु मैं इसके पश्चाताप के लिए खुद वास्तु निवारण करूंगा। यानी वो खुद एक इंजीनियर कक्षा के बहुत बड़े साहेब है और खुद अपना यहाँ का वास्तु दोष खुद तोड़फोड़ करके दूर करना चाहते हैं। जो हमें शौचालय यहाँ पे लगाना है शौचालय प्रोटेक्टर वो खुद लगा रहे, यानी उनका ये कहते हैं ना पश्चाताप है कि ये मेरी गलती हुई है। पर अभी क्या वास्तु के अंदर एक नियम है, घर बनाते हैं ना तो हमको गलती करना ही पड़ता है क्योंकि भगवान पूर्ण हमें कभी भी नहीं देता, यानी कुछ ना कुछ हमारी सहूलत के, इसी को बोलते हैं मोह माया। अगर ये नहीं छूट रही, इतना बड़ा घर नहीं छूटेगा मोह माया का, तो हमें कभी भगवान थोड़ी मिलेंगे। ये सब छोड़ना होता है जो एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ी चीज है। अब ये पूरा क्लाइंट खुद कर रहे हैं और पूरा लाइव आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ फिट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पूरा यहाँ पे थोड़ा ब्रेक करके ये टॉयलेट प्रोटेक्टर को यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब जब भी ये टॉयलेट का दरवाजा भी खुला रहेगा या जो शौचालय गलत दिशा में है वॉशरूम, तो उससे भी यहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऐसे ही सहायता प्राप्त कर सकते हैं कि इसकी नेगेटिविटी को हम बैलेंस कर पा रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं। और यहाँ पे ये होना नहीं चाहिए बट अब है तो उसका क्या समाधान है। आज मेरा भी बंगला अगर ऐसा मैं बना रहा होता तो मुझे भी एक ग्राउंड फ्लोर में एक कॉमन शौचालय की जरूरत होती है, तो मैं ये करता दोष। यानी दोष करना गलती नहीं है, दोष करने के बाद अगर हमें पता चल रहा है और हमें कुछ एहसास हो रहा है, हमें कुछ हीट मिल रही है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान हमें कुछ ना कुछ पंचिंग कर रहा है कि ये तू करवा ले, यानी करवा ही मत, करवा ही ले, क्योंकि ये भगवान का इशारा है जो आने वाली समस्याओं से हमें समाधान करते हैं। इसको कहते हैं प्रभु लीला। प्रभु लीला क्या होती है, प्रभु हमसे पाप भी करवाता है और रास्ते भी दिखाता है। जैसे भगवान महादेव ने दानवों को आशीर्वाद भी देते हैं और उनके उनका जो कहते हैं नाश करने का रास्ता भी खुद ही बता देते हैं, यही प्रभु लीला है। तो आज हमें तकलीफ भी मिल रही है इस वास्तु दोष से और इसका रास्ता भी प्रभु बता रहे हैं। प्रभु की कृपा बिना लाइफ में कुछ नहीं होता। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओनर खुद ये वास्तु दोष की रेमेडी खुद अपने हाथों से कर रहे हैं।
शौचालय गलत बना है नॉर्थ जोन में, तो उसका जो वास्तु दोष निवारण करना है उसके लिए जो प्रोटेक्टर है जो हमने यहाँ पे पहले इंसर्ट किए थे, अब उसको खुद ही अपने हाथों से तोड़ा और वहाँ पे उसको पूरा सीमेंट लगा के बंद कर रहे हैं। ऐसे पूरी प्रॉपर्टी में 5 शौचालय है और वो सभी दोषपूर्ण है, सबकी अलग अलग रहेंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये पूरा शौचालय ऐसा, अगर आपके भी वास्तु के अंदर कोई भी प्रकार का ऐसा वास्तु दोष हो, जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट है, कोई भी जोन में शौचालय हो, तो उसका ये दोष निवारण कर सकते हैं। और वास्तु के अंदर SSW, WNW और EAC में ही शौचालय बना सकते हैं, बाकी हर जोन के अंदर जो शौचालय वो सब वास्तु दोष का ही परिणाम देगा आपको। तन मन धन की हानि हर तरह की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।